जी, तो औरत जब बात नहीं सुने, जो सूर्य निशा ने अभी गुलजार ने दिखाया, तो मैं इसे को जस्टिफाई करूंगा? तो अगर मर्द ना सुने तो उसके भी पैंटी लगाएं? ये तो आपके अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा। नहीं, एथियो में कहाँ लिखा है कि आपको नहीं मार सकते? कोई बुक्स है आपके? तो हम क्यों मारेंगे किसी को? क्यों नहीं, मारें? आप तो कुत्ते भी खाते हो, आप एथियो कुत्ते भी खाते हो। तो आप लोग भी तो बहन भाई से पैदा हुए हो। एक सेकेंड, आप यहाँ पे इस्लाम डिफेंड करने आए हो, एथियज्म सिखाने आए हो? एथियज्म की कोई किताब तो दिखाओ मुझे। एथियज्म की कौन सी किताब है हिम्मत साहब? कौन सी किताब फॉलो करते हैं हम हिम्मत साहब? ने कौन कहा सी किताब कि फॉलो हम करते आदम और हैं हवा क्लब से आए, बात हम? कौन बात सी कर हम? रहा हूं ना कौन सी मैं। हम? कौन सी एथियस? कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? नहीं, आपके बुक्स नहीं है तो इसलिए तो आप माँ बहन बेटियों के साथ सोते हो अल्लाह ना। के, हमारा कौन सा अच्छा, प्रॉफिट है? कौन सो रहा है? कहाँ आज सो रहा है? कौन सो रहा है बताओ मुझे? कौन सा एथियस आप मिले मैं तो नहीं हो सोया, हमें? मैं तो नहीं सोता। साहब आप वन एक सेकंड, सेकेंड एक सेकेंड, मुझे एक नाम चाहिए जिस एथियस से आप मिले हो जो अपनी बेटी के साथ सोया है, नाम बताइए। दोजख में जाओगे? नाम बताइए, कहाँ लिखा है एथियो में ये सब कुछ? सारे सोते हैं, नाम कौन सी बताइए किताब? मुझको, नाम बताए। आप क्वेश्चन से भाग रहे हो, मुझे नाम बताओ उसे एथियस का जो अपनी बेटी के साथ सोया है। नहीं, हमारे सूरह निसा में लिखा है ना कि आप अपनी बेटी माँ बहन से शादी नहीं कर ना ना सकते। ना 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 ना, आगे नहीं बढ़ेंगे। नाम बताओ एथियस का जो अपनी बेटी के साथ सोया है, प्लीज। एक तो होगा ना, आप कितने सारे को जानते कुरान हो। में चार, आप एक कुरान ट्रेवी की में बात लिख नहीं कर रहे ना, 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 वेन ना। वंस। देखो, जब आपने कुरान की बात की थी ना तो सब आप कुरान से भाग रहे थे। अब एथियस पे आया तो एथियस पे बात करो ना, आ जाओ ना, अब एथियस पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए ना, आप कौन सा एथियस है जो अपनी बेटी के साथ सोया है, मुझे नाम बताइए। काम करो, बस आप लोग बोलते रहो। नहीं, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जवाब दो ना भी, हमारा आप शो है। हीरो आप बनो यहाँ ना आप। डिफेंड करने आए हो, आप यहाँ डिफेंड करने आए हो एक चीज को, उस पे सवाल करो तो आप इधर भागते हो, एथियस पे आ जाते हो। अब हमने एथियस पे सवाल किया आपसे तो आप अपने को उसने कुरान पे सवाल कर रहे हो, ये क्या है? कोई सवाल करो आपसे, आप जवाब ही नहीं देते हो। बताओ ना एथियस का नाम, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कितने मुसलमान सो रहे हैं अपने बच्चियों के साथ। आप मुझे एक एथियस का नाम बताओ जो अपनी बेटी के साथ सोया है। Listening. रुको रुको, वेट करो वेट करो वेट करो। आपने रिचर्ड बोलने डॉगिंस का बयान लगे सुना था? बयान नहीं, मुझे ये बताओ कि कहाँ किया है। बयान नहीं, कहाँ किया है, नाम बताओ मुझे ऐसे बंदे का। आपने आपने एपोसिट प्रॉफिट क्या और रुतवान का रुतवान उसने अपनी बेटी के साथ सोया है वो? जी, मेरे पास उसके अच्छा, वीडियो भी है। उसने बोला कि हम इसको जो वो अपनी बेटी के साथ सोया है? बोला की बात नहीं ऐसी है, वो पूरी अपनी बात बेटी के नहीं साथ सोया है कि नहीं मुझे बताओ। बोला तो नहीं, बोला तो आपके यहाँ पे बैठ के चूतिया पे मौलवी बता रहे होते हैं कि इस तरह से केला खाओ तो इस हाथ से गांठ धो तो इस हाथ से अपना पकड़ो तो इस हाथ से हिलाओ। बोलने को तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं लोग। कौन सा नहीं। एथियस है जिसका नाम बताओ, जिसकी बेटी से शादी हुई है या सोया है, बताओ। को बोला था ना कि उसको इनकी भाई आवाज कट रही है मालवीय से। इंटरनेट तो सही करवा लो हिमान, मैं हम एक बात बोलूं, मैलेज एक बात बोलूं, फर्ज करिए, मैं अगर इस्लाम नहीं छोड़ता ना, मैं मुसलमान होता। और हमीद साहब का मैं कनेक्शन आपकी देखता जरूरत ना कि भी नहीं है क्या इस्लाम में, एक आपकी आपकी जरूरत आवाज भी नहीं है इस्लाम नहीं आ में। रही है हमें साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मालिक आपसे जो सवाल किया है ना उसका जवाब दो। एथियस का नाम बताओ आप, इधर उधर मत जाओ लोगों पे। आप पहले बताओ, जो क्लेम किया है आपने, कहा है कि एथियस जो है अपनी बेटी माँ के साथ सोते हैं, कहाँ है? मुझे नाम बताओ, मैं पूछूंगी उनसे, मुझे नाम बताओ आप। अगेन, तो मतलब मेरी वॉइस आ रहा है अभी? जी बोलो। इनका कनेक्शन इशू है गलत मौली, है और आप कनेक्शन की गलत बात काम करते हो हो। गए आप। रेहान जी वापस आए हैं, रेहान जी। जी बोल रहे हैं।
से खर खर आ रही है आपकी तरफ से आपका कोई साउंड का मसला है, आप जरा साउंड अपना चेक करवाओ, बहुत गंदी आवाज आ रही है। मालिक एक मिनट को म्यूट की म्यूट कीजिएगा, हमीद साहब को मेरे मुंह से निकल रहा था, म्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा। अच्छा मैं ये कह रहा था भाई, हाँ मैं ये कह रहा था जिस तरह का कनेक्शन है ना हमीद भाई का और जो हमारे दूसरे भाई हैं वीलॉग भाई, अगर मैं मुसलमान होता ना मेरे लिए यही रीजन काफी था इस्लाम छोड़ने का कि अल्लाह को जो डिफेंड कर रहे हैं उनका कनेक्शन खराब है। मैं इस रीजन पे इस्लाम छोड़ सकता था कि जिस किताब को ये डिफेंड कर रहे हैं, जिस मजहब को डिफेंड कर रहे हैं, उसका बनाने वाला कौन, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, वो जब इनका कनेक्शन ठीक नहीं कर सकता तो लानत है ऐसे मजहब पर और लानत है ऐसे खुदा पर जो हमारे कनेक्शन बेस्ट चल रहे हैं क्योंकि हम काफिर हैं। तो यार मेरे लिए यही रीजन था भाई काफी इस्लाम छोड़ने के। जब पाकिस्तान में वो है क्या कहते हैं 4G है इंटरनेट, हाँ कौन सा इंटरनेट है पाकिस्तान में, 4G है 5G तो नहीं, मुझे पता है लाइट नहीं होती वहां भले इंटरनेट हो। अच्छा क्योंकि देखो दो चीजें जो ये लोग यहाँ डिफेंड करने आए थे, दो चीजें, वो रेहान तो यहाँ पर पाकिस्तान को डिफेंड करने आया था। रेहान मैं तुम्हें निकाल रही हूँ यहाँ से, दोबारा से आओ, तुम्हारी आवाज बहुत गंदी आ रही है। अच्छा तो वो पाकिस्तान को डिफेंड करने आए थे और इस्लाम को डिफेंड करने आए थे। जो पाकिस्तान आपका ऐसा मुल्क जहाँ इंटरनेट आपको नहीं सहूलत दे रही है, ठीक है ना, आपको यानी 5G तक अभी तक नहीं आया, आपने तरक्की नहीं की इतनी कि आप वो वाला इंटरनेट कर सके। दूसरी चीज ये आपका इस्लाम, भैया इस्लाम का कोई अलमिया यहाँ पे करिश्मा ही दिखा दे कि अलमिया को डिफेंड करने आ रहे हैं आप यहाँ पे, मोहम्मद जी को डिफेंड करने आ रहे हैं, मोहम्मद जी की इज्जत के खातिर अलमिया ने कोई इंटरनेट की स्पीड लगा दी होती, कुछ कर दिया होता इन लोगों के लिए करिश्मा, मगर नहीं, दोनों ने इनको फेल कर दिया और ये दोनों चीजों के लिए खड़े हो गए हैं, मुजाहिद बने हुए हैं। इस बात पे तो सलाम छोड़ना बनता है मेरा। आप ये देखो कि बाहर कंट्री में एक कुंडा सिस्टम दिखा दो कनाडा में, पाकिस्तान में इतना चोरी का बिजली पैदा करके ये इस्लाम को डिफेंड करते हैं, थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार। 12 रबीउल अव्वल को कुंडे चोरी की लाइटें चुराते हैं। अरे मस्जिद का कुंडा लगा होता है वहां पे, अल्लाह डायरेक्ट बिजली नहीं देता। इस्लाम को छोड़ना तो इतना आसान है यार, आप देखो पाकिस्तान के हालात पतले हो गए हैं, भिखारी बन चुका है कंट्री और इनका मोहम्मद से प्यार ही नहीं जा रहा। अगर इतना प्यार करोगे तो भाई क्यों नहीं खिला देता आपको प्रॉफिट, आपका आपका अल्लाह क्यों नहीं आपको अमीर कर देता अगर आप इतना डिफेंड कर रहे हो। यार मोहम्मद तो छोड़ो आप, पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पे उसको आग लगी थी कि तुम पाकिस्तान पे ऐसे क्यों बोल रही हो। 26 years old 26 साल का बंदा ये बैठा हुआ है, बच्चा तो नहीं बोलूंगी इसको, यानी एक एज में आ जाते हो आप और अभी तक तो अपने माँ बाप के घर में ही बैठा हुआ है। भाई हम तो मैं कितने साल की थी, 17 की थी मैं, आई मूव्ड आउट, मैं अपनी जॉब करती थी, अपनी जगह थी, अपने आप को अपना खुद खर्चा उठाया है, सेल्फ मेड जिसे कहते हैं ना, ये नहीं कि मम्मी डैडी प्लीज मुझको 100 रुपए उधार दे दे मम्मी डैडी। तुम लोग ऐसे लोग जो अपने माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो तो कि कब वो मरे तो हमारे घर पे हमें जो उनका घर मिले उनका पैसा मिले, ऐसे लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, तुम लोग क्या बात कर रहे हो।